जंगुरायतर गोंडी इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल सरोना जिला उत्तर बस्तर कांकेर एवं कोया भूंकाल क्रांति सेना की ओर से मैं आप लोगों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। हसपेन मोतीरावन कंगाली एवं हसपेन सुनहर सिंह ताराम जी को लापी जोहार करते हुए, जिन्होंने अपने अमूल्य समय मुझे देकर के मुझे एक अनपढ़ को सिखाने का प्रयास किए, और उन्हीं का देन है। 2004 से लगातार मैं उन दोनों के सानिध्य में रहकर या उनके साथ रहकर सीखने का प्रयास किया, और धीरे धीरे यहाँ तक आ गया कि मुझे आज स्कूल की ज़रूरत क्यों पड़ा, चलाने की क्यों पड़ा। मैंने देखा कई जगह स्कूलें चल रहे हैं हमारे सामाजिक स्तर से, तो मैंने भी सोचा कि अपने संस्कृति अपने भाषा लुप्त होते जाता है, हमारे कल्चर ख़त्म होते जाता है, इसी को मैंने एक सोच करके जंगू रायतर इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल की शुरुआत की। और रहा सवाल जो मोतीरावन कंगाली जी ने, जो उनके उपदेश उनके जो लिपि जो गोंडी लिपि था उसको पढ़ाते हुए उनके पहाड़ा के माध्यम से देखते देखते मैंने सोचा कि यहाँ का भाषा गोंडी कुछ अलग ही है, और महाराष्ट्र का भाषा कुछ शब्द में हेर फेर है। जो कहने का मतलब वही है, आज कहीं भी जाते हैं एक एक शब्द का अंतराल होता है, तो सुनहर सिंह ताराम जी और मोतीरावन कंगाली ने सलाह दिए कि आप बस्तर के हिसाब से पहाड़ा बनाइए। तो 2005 में मैंने एक पहाड़ा का प्रकाशन किया करवाया और विमोचन भी हुआ। उसी पहाड़ा के माध्यम से चलाते चलाते आज जो स्कूल चलने लगे, तो मुझे बहुत वो लगा कि जैसे इंग्लिश है वैसे ही हमारा भी लिपि हो, जो कि कहना चाहिए लैपटॉप में हो चाहे कंप्यूटर में हो। तो उसमें प्रयास किए एक माह लगा, आज लैपटॉप में भी अब टाइपिंग हो रहा है कि गोंडी लिपि में, अतः प्रयास है। इस साल 9 अगस्त को विमोचन किया गया। तो साथियों, मैं स्कूल के साथ साथ कोया भूंकाल क्रांति सेना का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मुझे शिक्षा कोया भूंकाल क्रांति सेना से ही मिल चुका है और मिलता रहेगा, और प्रयास है कि उन महानुभावों को जिन्होंने कोया भूंकाल क्रांति सेना का शुरुआत किए और शुरुआत करके एक दूसरे को सिखाने का प्रयास किए, बताने का प्रयास किए, मैं उन महान अनुभवों को भी सेवा जोहार करता हूँ। क्योंकि जहाँ हम सीखते हैं और उसको ही हम सेवा जोहार करते हैं। तो कोया भूंकाल क्रांति सेना 2004 में गठन हुआ, वहाँ से लगातार आज कार्य करते, अपने कल्चर के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, संविधान के ऊपर कार्य करते आ रहा है, और वहीं से मैं निकल कर आके मैं ये जंगू रायतर इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल का शुरुआत किया हूँ। तो ले चलता हूँ कि उन बच्चों को मैं गोंडी में किस प्रकार अग्रसर करता हूँ, आप लोगों को भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने
एक गीत के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्रयास किया हूँ और वह गीत है आप लोगों के साथ समक्ष पेश करता हूँ। दे तो ददारा के बी के अते दे तो ददारा गोंडी स्कूल ते कोया पलोरा कोया पुनेम पुंदेला दे तो कोयारा गोंडी स्कूल ते दे तो कोयारा गोंडी स्कूल ते कोया पलोरा कोया पुनेम पुंदेला नार गुडे पुंदे काटे टोंडा मंडा पुंदे काट नार गुडे पुंदे काटे टोंडा मंडा पुंदे काट कुंडा तनेंग तून माट पुंदे काट दे तो कोयारा गोंडी स्कूल ते दे तो कोयारा गोंडी स्कूल ते कोया पलोरा कोया पुनेम पुंदेला गरम सभा पुंदे काट पैसा कानून पुंदे काट गरम सभा पुंदे काट पैसा कानून पुंदे काट पांचवी अनुसूची तून माट पुंदे काट दे तो कोयारा गोंडी स्कूल ते दे तो कोयारा गोंडी स्कूल ते कोया पलोरा कोया पुनेम पुंदेला कोया पलोरा कोया पुनेम पुंदेला। इस गीत के साथ आप लोगों को बहुत बहुत सेवा जोहार और मैं आगे कि हम एक कल्चर कहें और संविधानिक बात को कहें कि हम जो आज रूढ़ी प्रथा कह रहे हैं रूढ़ी प्रथा को ही सामने करते हैं क्योंकि हमारा कोई भी नेग नियम रीति रिवाज सभी एक रूढ़ी प्रथा के अनुसार चलता है जो हजारों साल लाखों साल पहले जो हमारे सियान लोग किए और उसी को आज आधार मान करके आज तक के वो रीति रिवाज चलते आ रहा है जिसे हम कहते हैं नारहुजड़। यानी कि जो आज देखा जाए कि इंडिजिनस समुदाय में जहाँ भी इंडिजिनस समुदायों का गांव बस्तियाँ वह एक पेन पुरखों के हिसाब से चलते हैं और वो पेन पुरखों के हिसाब से चाहे यहाँ हो बस्तर में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे आदिलाबाद में हो चाहे महाराष्ट्र में हो जहाँ भी इंडिजिनस जो समुदायों का गांव लगभग टोटल एक अनुसार ही चलते हैं। तो साथियों मैं उस नार व्यवस्था जो जिस प्रकार जिस गांव में हम रहते हैं आज कहते हैं किसी गांव में जाते हैं तो जिस गांव में जाकर के हम कहते हैं 8-10-15 साल रहने के बाद यह गांव हमारा है लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस गांव का नियम क्या है। हमें उस नियम को जानना चाहिए तभी जाके उस गांव का हम बन सकते हैं। हम कहें कि आज किसी भी गांव को हमारे गांव कहने का अधिकार भी नहीं है क्योंकि इन चीज़ों को हम ध्यान दें कि हमारे गांव में क्या व्यवस्था है कौन से नियम लागू है यह इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार आज राज्य या देश चलता है तो उन लोगों को श्रेय जाता है जैसे देश चलाने के लिए राष्ट्रपति को जाता है राज्य को चलाने के लिए राज्यपाल को जाता है वैसे ही हमारे गांव में एक छोटे से गांव में भी उन महान प्रबुद्ध सियानों को जाता है वो सबसे ज़्यादा वो है कि गायता जो गांव का गायता होता है वो एक देश को चलाने का राष्ट्रपति का वो दायित्व रहता है वैसे ही गांव को चलाने के लिए वो गायता का हाथ रहता है। गायता चाहे तो गांव को बिगाड़ सकता है गांव को बना सकता है क्योंकि उस गांव का स्ट्रक्चर ही गायता के साथ है इसीलिए उसको कसर गायता या माटी गायता के नाम से
जानते हैं। कसर गाय था माटी गाय था इसलिए क्योंकि माटी कोट, आज कोट गांव में होता है जो हम जिसको तलुन कोट भी बोलते हैं और छत्तीसगढ़ी में जाएं तो उसको माटी कोट के नाम से जानते हैं, इसलिए कसर गायता या माटी गायता के नाम से जाने जाते। तो वह गायता एक ऐसा है क्योंकि उस गायता के थ्रू उस गांव का नियम फॉलो होता है। दूसरैया में है जो गायता गांव का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को चलाने वाला है, संचालक है, और वो संचालक के साथ साथ एक आता है उस जिसे उसे मुकुर्दम और आज के परिवेश में कहे जाए तो पटेल, वो पटेल को श्रेय जाता है कि उस गांव का कैसे संचालन हो, किसको कितना दिया जाए, जमीन कहाँ दिया जाए, ये पटेल के मुकुर्दम पे हकदार रहता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने बनाए कि जैसे पूनम पंडुम के दिन पूनम तिंदना के दिन उसके पीछे दिन ठाकुर जोहरनी होता है, गायता जोहरनी होता है, पटेल जोहरनी होता है, वहाँ जाके एक सिद्धांत के रूप से वहाँ सभी को आवर्जित को बुला करके उनके बीच में बात को रखते हैं पटेल गायता, और उन सभी रूढ़िवादी तरीकों से उस गांव का संचालन होता है। तीसरा में आता है ठाकुर मांझी मुकोसा जो न्यायपालिका का काम करते हैं। जिस समय वो लोग गांव के बात को गांव में ही न्याय करते थे, और इसलिए मांझी मुखिया मुकोसा जिसको कहे जाता है वो एक न्यायालय का काम करते हैं और न्यायालय को संचालित करते हैं, कैसे कहाँ कौन लड़ाई झगड़ा हुआ, क्या हुआ, क्या कमी हुआ, उसको लोग निपटाने का काम करते हैं, इसलिए उस गांव में वो व्यवस्था भी है। चौथा में आता है आपका रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा। रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा उसमें आम जन जो ग्रामीण वो लोग बैठ के वो चर्चा कर लेते हैं कि हमें आगे का स्थिति क्या करना है, क्या करेंगे तब ये गांव संचालित हो। इसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह तरीका से समझ लेते हैं। वो ग्राम सभा बैठते हैं, आज कहे जाए ग्राम सभा दो प्रकार का होता है, एक जो होता है शासन का ग्राम सभा और एक होता है हमारे इंडिजिनस समुदाय आदिम समुदाय में जितने भी आते हैं गांव में जो भी निवास करते हैं वो सब एक जगह बैठते हैं और उस गांव के संचालित के लिए, उस गांव को तरक्की की ओर ले जाने के लिए वो एक निर्णय करते हैं, उसको भी हम रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा बोलते हैं, जिसे हम अपने तरीके से हम संचालन। और पांचवा में है जो आज हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो गांव व्यवस्था में जो नार हुजड़ में वो पुस्तक को पढ़ने वाले भी होते हैं कि कब कहाँ बिगड़ गया गांव, कब कहाँ बिगड़ेगा, इसको भी जानने वाले लोग होते हैं जो पेन व्यवस्था के अनुसार में यह लोग भी रहते हैं गांव में, जिसे हम सिरहा गुनिया भी कहते हैं। जो पेन उनके सिर में आके विराजमान होकर के वो कभी ना कभी 5 साल या 10 साल, 5 पीढ़ी या 1000 पीढ़ी का बात को भी अभी बताता है। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के जो पूर्वज हैं वो उस समय वहाँ ये किए थे, उसको आपको देना पड़ेगा, ऐसे वो लोग पेन लोग बताते हैं। तीसरी वो सिरहा को आज एक पुस्तक के रूप में हम मानते हैं और वह है गांव का व्यवस्था को बनाने वाला व्यवस्थापिका। जैसे हम
आज कई जगह जाते हैं, देखते हैं कि क्या, क्योंकि हमारे एक पारंपरिक है जो पेन व्यवस्था है, उसमें कहे तो पेन व्यवस्था में क्या है कि मानता पेन और गुणता पेन। मानता पेन को हम अपने अपने हिसाब से मानते हैं, जैसे मैं विष्णुदेव पद्दा, मैं किरको पद्दा हूँ और मैं हरंजुल मंडा में आता हूँ और 18 भाई से बिलोंग करता हूँ, तो मैं एक मानता पेन मैं उस कौम का हूँ, परमाहमुदिया के वंशज हूँ, तो उस हिसाब से एक मानता पेन को मैं मानता हूँ। और जहाँ मेरे परिवार, मेरे पूर्वजों ने गांव बिठाया और वहाँ जो पेन है उनको केवल जो गांव बिठाते हैं वही परिवार के गाय का ही सेवा करता है, उसको कहते हैं गुणता पेन। साथियों, क्योंकि मानता पेन और गुणता पेन में अंतर है। मानता पेन को हम सभी परिवार के मानते हैं, कभी पुजारी रहता है तो पुजारी सेवा करता है, पुजारी नहीं रहता है तो परिवार का कोई भी सेवा करता है, लेकिन जो गुणता पेन होता है उसको केवल गायता के सिवाय कोई और दूसरा सेवा नहीं कर सकता है। और इसीलिए आज पुजारी पकड़ना हो या सिरहा पकड़ना हो, चाहे गुनिया पकड़ना हो, इनका स्तर अलग होता है और गायता का स्तर अलग होता है। जैसे किसी गांव में गायता खत्म हुआ, हास पेन हो गया, तो दूसरा गायता पकड़ाने के लिए क्या करते हैं, तीन रोज रात रात के उस गायता परिवार के, उनके फैमिली के लोगों को सुलाते हैं। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि जिसको दीमक पूरा चढ़ जाता है वो गायता हो सकता है, क्योंकि उस आदमी को दीमक चढ़ जाता है, क्योंकि वो मिट्टी का संबंध है, मिट्टी का पुजारी बनना है, मिट्टी के साथ उसको मिलना है, इसलिए उस आदमी जिंदा आदमी को दीमक चढ़ता है। और दूसरा प्ररूप है, अगर मिट्टी चढ़ाए दीमक लगा नहीं तो वो किसी सुअर के, जहाँ सुअर हम बंद करते हैं उस जगह में भी बंद कर देते, रात को अचानक उसको उठा के ले। और तीसरा पॉइंट है कि गायता पकड़ने का, जहाँ पेन कस्सा, जिसे पेन डोबरा भी कहते हैं, जहाँ पेन लोग नहाते हैं उसको पेन कस्सा पेन डोबरा कहते हैं, उस जगह में भी उस आदमी को, जिस आदमी को गायता पकड़ने का होता है उसको डुबा देते हैं। तो ये तीन पॉइंट होते हैं कि इसमें कोई चुनाव व्यवस्था नहीं है, केवल पेन सिस्टम। पेन सिस्टम इसलिए है क्योंकि पेन चिन्हांकित करता है कि मेरे को सेवा करने के लायक कौन है, इसलिए यह व्यवस्था बहुत कठिनाई से चलता है। और यही चीज़ों को हमारे समुदाय के लोग, पूर्वज, जिसे पूर्वजों से उसको करते करते आ रहे हैं, और उसी को आज हम कहते हैं रूढ़ी एवं प्रथा, क्योंकि हम उसी रास्ते में चलना है। एक हमारा कल्चर ही उस समान है, जिस कल्चर को पहंदी पारी कुपार लिंगों ने हजारों हजारों साल बना के जिंदा रखा, भले पुस्तक के माध्यम से नहीं बल्कि आदमी के तरंगों से आज सीखने को मिलता है, गीत के माध्यम से, पाटा के माध्यम से या नृत्य के माध्यम से, समूह के माध्यम से सीखा जाता है कि कल्चर पहंदी पारी कुपार लिंगों का कितना अच्छा है। और इसीलिए साथियों, कोया भूंकाल क्रांति सेना में मैंने रहकर अध्ययन किया कि पेन व्यवस्था, नार व्यवस्था, आज नार व्यवस्था ऐसा है कि नार व्यवस्था को हम
अच्छी तरह से समझें कि कोई भी गांव हो वो एक व्यवस्था में बंधे रहता है, वहाँ कितने पेन रहते हैं, कितने माता रहते हैं, कितने कैना रहते हैं, कितने राव। अभी हम बात कर रहे थे कि उस गांव को चलाने का सिस्टम जो गायता पटेल मुकुरदम इनके बारे में, तो मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ उस नार हुजाड़ नार व्यवस्था की ओर। इस नार हुजाड़ में जाने से पहले अवगत करा दूं कि हम उस नार व्यवस्था के बारे में कैसे हम जानने का प्रयास करेंगे। और वो है जिस गांव में मैं रहता हूँ वह गांव मेरा है, वह जगह मेरा है, ये इंगित कराऊंगा। तो साथियों, आप लोगों को ले चल रहा हूँ एक गीत की ओर, और भले सुनिएगा, गुनगुनाएगा जरूर गुनगुनाएगा, क्योंकि गोंडी में गा रहा हूँ। इते मावा नार संगी, इते मावा जगा, इते मावा नार संगी, इते मावा जगा, बुम्बुड़हल मावा ता तो पांड्री मावा पगा, बुम्बुड़हल मावा ता तो पांड्री मावा पगा, पेन लिंगो मातल जंगो, पेन लिंगो मातल जंगो, पेन लिंगो मातल जंगो, हे लड़मी अड़ संगो। इते मावा नार संगी, इते मावा जगा, इदे मावा नार संगी, इदे मावा जगा, हो 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 हो, ला 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 ला, गुण गुणवना राज मावा धरती पीरती मावा, गुण गुणवना राज मावा धरती पीरती मावा, दिही डोंगर मटा गुटा वलक मरा मावा, मावाय लिंगो मावाय जंगो, मावाय लिंगो मावाय जंगो, पोरोय पैकट संगो। इदे मावा नार संगी, इदे मावा जगा, इदे मावा नार संगी, इदे मावा जगा, हो 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 हो, ला 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 ला, लिंगोन वेले पाटर संगी, लिंगोन वेले डाका, लिंगोन वेले पाटर संगी, लिंगोन वेले डाका, आवा बाबोन संगे संगे मंतर की काका, इते जीवा बने मनी, इते जीवा बने मनी, उडी लहे लड़नुनी, इते मावा नार संगी, इदे मावा जगा, इदे मावा नार संगी, इदे मावा जगा, इदे मावा जगा, इदे मावा जगा, इदे मावा नार संगी, इदे मावा जगा। जिस गांव में रहते हैं उस गांव के बारे में गीत पेश किया, क्योंकि हम उस गांव के निवासी हैं, उस जगह के हम निवासी हैं। तो साथियों, गुंता पेन की ओर ले चलता हूँ, जिस गांव को जिस श्याम ने बिठाया, उस गांव के पहले जंगल में आया, आने के बाद वह श्याम ने सोचा कि आके देखा कि यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है, कि मुझे यहाँ मेरा पेन साथ देगा, या यहाँ के जंगल मेरे को साथ देगा, यहाँ के वातावरण मुझे साथ देगा, ऐसे सोच करके उस महान श्याम ने सबसे शुरुआत में उस गांव के माटी को, उस धरती को नमन करता है। नमन करके उस मिट्टी को उन्होंने मन्नत मांग लेता है कि मैं यहाँ बसेरा करना चाहता हूँ। और
उस मिट्टी भी उसको साथ देता है। जैसे आज भी हम देखते हैं हमारे सियान लोग अगर घर बनाने का होता है तो पहले वो लोग चार कोना में चावल डाल देते हैं रात भर के लिए, और वह चावल रात भर रहता है। सवेरे जाके देखते हैं अगर सभी कोनों का, चारों कोनों का अगर सही सलामत चावल है तभी वो लोग वहाँ घर बनाते हैं। क्योंकि अगर किसी कोने का चावल टुकड़ा हो गया तो समझ जाते हैं कि यहाँ मुझे रहना नहीं है, कोई दूसरा जगह दे। आज हमारे मंडा संस्कार में भी होता है, आज दोनों का जोड़ी को लंबे समय तक के जीवन साथी रहे करके जिस लगन होता है, लगन के समय दोनों के कपड़े में चावल बांधते हैं। वो चावल का रिश्ता है क्योंकि हमारे सियान लोग घर बनाने के लिए भी वो चावल का प्रयोग करते हैं, और सबसे शुरुआत में उस जमीन को नमन करके मन्नत मांग लेते हैं, और उसके बाद अगर सही है तो उन्होंने वो सियान ने क्या करता है, वहाँ के पेड़ पौधों को भी मन्नत मांग लेता है कि यहाँ मैं घर बनाऊँगा तो आप काटूंगा। और इसीलिए वह परंपरा आज भी है, जो हम पेड़ बनाने के लिए लकड़ी लाते हैं तो उस गांव में उस पेड़ काटने से पहले वह महला ज्योति करना पड़ता है, सत्ता पटाना पड़ता है, सत्ता पटा के हम उस पेड़ को काटते हैं। जिस प्रकार हम किसी गांव से लड़की लाते हैं और गांव से भी लड़की लाते हैं तब उसको सत्ता पटाना पड़ता है, जब तक कि हम सत्ता नहीं पटाते तब तक कि वो लड़की वो बहू हमारे नहीं होती, हमारे कुल का बहू नहीं होती। इसलिए हम पेन कौडंग के रूप में हम देते हैं आज मर्म मंडा में भी, और वैसे ही हम उस पेड़ को भी काटते हैं तब भी वहाँ सत्ता पटाना पड़ता है। इंडिजिनियस समुदाय एक पेड़ पौधों से भी प्यार करता है, और जिस प्रकार हम आप मानव में प्यार करते हैं वैसे ही इंडिजिनस समुदाय पेड़ पौधों से भी प्यार करता है, उसको मन्नत मांग लेता है, उसको मन्नत के अनुसार ही वो उसको काटने का प्रयास। तो साथियों की उस गायता ने उस पेड़ को भी सेवा किया, अर्जी विनती किया तभी वहाँ का पेड़ काटता है। और सबसे पहले एक आदमी जा करके, पति पत्नी जा करके वहाँ गांव बसाते हैं, घर बनाते हैं, और उस गांव धीरे धीरे एक एक करके आते 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 विकराल रूप होता है, बहुत बड़ा गांव। और उस आदमी ने, जो आदमी जिस गांव का स्ट्रक्चर बनाया, उस आदमी उस गांव में हाथ पेन होता है तो वो उसको बोलते हैं, हम कोया लैंग्वेज में कहें चाहे गोंडी भाषा में कहें, उसको हम भूमियार के नाम से जानते हैं। भूमियार इसलिए है क्योंकि भूमियार क्योंकि हम अपने आप में कहें कि भूमियार कैसे बन गए, जिसने गांव का स्ट्रक्चर बनाया तो उन्होंने उस गांव में ख़त्म होने के बाद वह एक पेन गुंता पेन के रूप में आता है, और उस गांव में आज भी कहीं देखें भूमियार का कहीं आंगा या डांग या डोली नहीं होता है, केवल वो एक छड़ी में ही विराजमान रहता है, या कहीं टेंगा रहता है उसी में भूमियार विराजमान होता है। क्योंकि उसको वो भ,
भार रहता है कि उस गांव का सृजन करता है, उस गांव को चलाने का है, इसलिए वह वो आंगा या कुछ बनाने नहीं देता और केवल वो रहता है कि कहीं भी गायता भूमियार गुट्टा, जिसको कहते हैं भूमियार गुट्टा, वो हर गांव में होता है। जो गांव का सृजन करता होता है उसी का रहता है और गांव का प्रमुख पेन कहे तो वही भूमियार है। और उसके बाद हम देखते हैं भूमियार के बाद जो उसको साथ दिया, आज कहते हैं हो सके कि उस गांव में बहुत से जंगल था और उस जंगल को काट के उन्होंने डाही ढोसा, डाही मतलब वो हम कहते हैं यहाँ डाही, और उसको गोंडी में कहें कोड़क दुर्सना और हिंदी में झूम खेती। तो वो झूम खेती करने के लिए उन्होंने वहाँ लकड़ी काट के जलाया, और क्योंकि बहुत जड़ होते हैं, बैल से नहीं होता, इसलिए उन्होंने पहले प्रयोग किया कि भैंसा का प्रयोग किया। भैंसा का प्रयोग किया क्योंकि भैंसा बहुत ताकतवर होता है, पालतू जानवरों में से बहुत ताकतवर है भैंसा, इसलिए उन्होंने भैंसा का प्रयोग किया। भैंसा को लाके रखा और उस भैंस अभी वहीं खत्म होता है तो उसको एक जगह उसको स्थान देते हैं। आज भी कहीं भी जाके देखे गांव की जो नार व्यवस्था के अनुसार हम देखते हैं, कहीं ना कहीं गांव व्यवस्था में वह नीलांजूर जिसको कहते हैं, ये बर्रे भी कहते हैं और भैंसा सूर भी कहते हैं, और छत्तीसगढ़ में उसे भैंसा सूर भी कहते हैं, क्योंकि उस पेन एक महान पेन है, एक जल स्रोत को निर्धारण करने वाला है। और कहीं भी आज हम देखने को मिलता है कि जहाँ भैंस नीलांजूर है, यह बर्रे है, उस जगह में ऊपरी सतह में पानी होता है, दलदल जगह में रहता है। और क्योंकि हम ऐसे भी देखते हैं जहाँ भैंसा रहते हैं, और अक्सर गर्मी के दिन में भी हम देखें कि भैंसा अधिकतर करके पानी जगह में रहते हैं, इसलिए वह पेन एक महान पेन है। वो गांव व्यवस्था को एक सही ढंग से चलाने के लिए है। नीलांजूर वो पानी का स्रोत को सही जगह निर्धारित करता है और उसी कारण जहाँ भैंसासुर सही सलामत है, जैसे मानता पेन में उदाहरण के तौर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मानता पेन में हम किसी मुर्गा या बकरा या सुअर को हम पूछते हैं, लेकिन भैंसासुर में पूजने का प्रथा नहीं है। वहाँ तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी या दस पीढ़ी तक के एक भैंसा का ताकत रहता है, उसके बाद वह भैंसा धीरे धीरे कमजोर होते जाता है, तब वो गाय तक स्वप्न में या अंदाजा में बता देता है कि यहाँ का भैंसा थोड़ा ताकत घट गया है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जहाँ भैंसा सुर है उस जगह में गड्ढा खोदना पड़ता है, और आप चाहे 15-20 किलोमीटर भी अगर भैंसा खरीदते हो वहाँ देने के लिए, केवल वहाँ जाके लाली देना पड़ता है भैंसा सुर के नाम से उस भैंसा, उसके बाद ऑटोमेटिक वह भैंसा सीधा आके जहाँ गड्ढा खोदोगे उसी जगह में घुस जाता है और उसको ऊपर से ऐसे फारा में पाट दिया जाता है जिंदा भैंसा को, इसलिए वो ताकत रखता है। और एक ये भी है जो हमारे इंडिजीनियस समुदाय में एक है कि मासिक
मासिक परेड। मासिक परेड में उस नीलांजूर के जगह में कभी महिलाएं या लड़कियां नहीं जाते, क्योंकि अगर उस अवस्था में अगर चले गए तो क्या होता है, कहीं ना कहीं उसको अगर भैंसा दिख गया तो समझ जाओ कि वो महिला जिंदा बचने वाली नहीं, खतरा रहता है। इसीलिए कई गांव में, कई नार व्यवस्था में ऐसे ऐसे गांव हैं कि मासिक परेड होने के बाद वो घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलते, जंगल झाड़ी में नहीं घूमते, ना कहीं भी जाके नहीं नहाते। और ऐसे कई परिवार में है कि मासिक परेड होने के बाद एक अलग घर में रहने का भी, इसीलिए उसको कुरिया लोन भी कहते हैं। तो उसके लिए आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ भैंसासुर के बारे में, नीलांजूर के बारे में आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। और नीलांजूर बहुत ताकतवर होता है, इसीलिए इसको भूमियार ने दूसरे या नंबर में रखा। तीसरा नंबर में आता है, हम तीसरा नंबर में, जहां हम गांव के गाय बैलों को एक जगह रखते हैं दिन को, जिसको हम तोरमंडा कहते हैं, गोंडी में तोरमंडा बोलते हैं, करकाडांड भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में बोले तो खरकाडांड भी बोलते हैं। और धीरे धीरे वह आजकल क्या हो गया है, गौठान के नाम से भी जाते। वो तोरमंडा में एक पेन है, जिस पेन के नाम से हमारे श्याम लोग सेवा करते हैं समय समय में, उस गाय तक एक हाथ से सेवा करवाते हैं। और कई गांव में ऐसे है कि मर्ममंडा के दिन जो चूल माटी जिसको कहते हैं, चूल माटी लाने का होता है, यहाँ मिट्टी खोद के लाते हैं। तो बस्तर अंचल के गाँव में बहुत जगह देखने को मिलता है कि वो तोरमंडा से ही मिट्टी को भी लाया जाता है। उसका भी कारण है कि वहीं का मिट्टी को क्यों लाते हैं, कुछ तो कारण होगा। और जैसे लगन के समय होता है, लगन भी वहीं जाके पहले पांच फेरा वहाँ लगाते हैं, जहाँ से मिट्टी खोदे रहते हैं। और वहाँ से पांच फेरा लगा के जहाँ मंडप होता है वहाँ पूर्ण करते हैं साथ में। वहाँ से मिट्टी लाने का तात्पर्य यह है, क्योंकि उस जगह में हम गाय बैलों को रखते हैं तोरमंडा में। तोरमंडा इसलिए है, तोर मतलब जनसंख्या ज़्यादा, उपजाऊ, वहाँ का मिट्टी भी उपजाऊ है। और हम शादी हो रहे हैं, एक जनसंख्या बनाने के लिए कर रहे हैं शादी, इसलिए तोरमंडा से मिट्टी लाने का प्रावधान है। और वहाँ है बुकुर्रा, जिसको हम देवारी के दिन हमारे गायता या बुजुर्ग सियानों के द्वारा सेवा किया जाता है। और जब तक कि वहाँ सेवा नहीं करते, आगे वो लोग खिचड़ी भी नहीं खिलाते घर में, क्योंकि वहाँ पहली करते हैं, वहाँ पहली खिचड़ी खवाते हैं, खिलाते हैं, उसके बाद अपने अपने घर में खिचड़ी खिलाते हैं। ये है कि हमारी आज हमारे इंडिजिनस समुदाय के सियानों ने, पुरखों ने इन चीज़ों को बना के हमारे बीच तक के रखे हैं।
और ये आज का बनाया नहीं है, एक पहले जमाना से चलते आ रहा है। केवल उसको हमें समझने का प्रयास, क्योंकि हम आज जो हम संस्कृति बोल रहे हैं, हमारा संस्कृति ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे कल्चर, हमारे संस्कृति में, संस्कार में आज का नहीं है, वो पूर्वजों का देन है। उसमें हो सकता है जंक लग गया है, कोई अब उनकाल क्रांति से ना उसी जंक लगे हुए चीज को धोने का काम कर, केवल धो रहा है कि संस्कृति या कल्चर नहीं बना रहा है। इसीलिए आज देखते देखते हमारे तोरमंडा में क्या क्या बना देते हैं। हमारे सियान लोग एक खूटा गाड़ देते थे या पहले से पत्थर गाड़ दिए थे, आज वहाँ सेवा नहीं करते। आज हमारे संस्कृति को, इधर से भाषा को ख़त्म करने के लिए और संस्कृति को ख़त्म करने के लिए बहुत से लोग पीछे पड़े हैं। और आजकल जहाँ तक देखा जाए, हमारे तोरमंडा है, तोरमंडा में क्या में क्या बना देते हैं, बड़े बड़े सीमेंट का बैल बना देते हैं, लिख देते हैं नांदी। अगर बनाइए तो भुकुरा लिखे ना, वहाँ तो भुकुरा है ऑलरेडी। उस गांव जिस समय भूमियार ने बिठाया, उस समय से भुकुरा को बिठाया है। आज हम सोचते हैं कि नांदी बना दिए, हम दिया जला रहे हैं, वो सीमेंट के बैल बनाए हैं वहाँ, और वहाँ का भुकुरा है पड़ा है। हमारे एक एक चीज़ों को आज मतलब नाम बदल दे रहे हैं। हमें इसके ऊपर भी हमको अध्ययन करना होगा, सोचना होगा कि हमारे कल्चर में जो हैं, हमारे संस्कृति में जो हैं, हमारे संस्कारों में जो हैं, वहाँ कम से कम हमारे मुंह में भी तो उन पुराने चीज़ों को जानने का प्रयास करें, उन पुराने नामों को पहचानने का प्रयास करें। तीसरा आता है जो गांव का, गांव में अगर कभी पानी नहीं गिरता है तो हमारे सियान लोग क्या करते हैं, भीमा नाचने जाते हैं, भीमा नाचते हैं लगातार 2-3 दिन तक नाचते हैं भीमा। और भीमा किसी का सिर में नहीं आता, पेन आते हैं उस सिर में नहीं आता, भीमा केवल वो कुंवारे लड़के में आता। एक दिन आएगा ये इसके सिर में तो दूसरा दिन दूसरे के सिर में, क्योंकि उसका सिरहा नहीं होता। और भीमा को इसीलिए वो बनाते हैं क्योंकि उसको एक व्यवस्था दिया गया है भूमिहार ने कि अगर यहाँ पानी नहीं गिरेगा या आपको जगाया जाएगा तो आप पानी का व्यवस्था कर लीजिए। एक व्यवस्था में वो बन गया है, इसीलिए हमारे जब पानी नहीं गिरता है तो भीमा नाचने जाते हैं। हमारे ये महिलाएं क्या करते हैं, गोबर को घोल घोल के ले जाते हैं और जहाँ भीमा का पत्थर रहता है वहाँ गोबर को डाल देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कभी नाचा होगा तो गौर करिएगा कि उस भीमा के पत्थर रहते हैं वहाँ गोबर को डाल देते हैं, गोबर घोल के उनको उनके सिर में डाल देते हैं। तो भैया ये तो सीधी सी बात है कि हम अगर कीचड़ में हमको कीचड़ डाल दें तो हमें तो नहाना पड़ेगा ही ना। इसलिए वो करते हैं क्योंकि गोबर डाल देते हैं तब वो नहाने के लिए जरूर पानी लाता है, स्वयं के नहाने के लिए तो पानी जरूर लाए। जैसे प्यास मुझे लगा है तो प्यास के लिए तो मैं कहीं से न कहीं से जुगाड़ना पड़ेगा मेरे को। तो उसी प्रकार वह भीमा भी कोई ऊपर में कहीं ना होते हैं उनको जाके मांगता है।
अवस्था में हैं, ये व्यवस्था में बन चुके हैं कि किस पेन को किस रास्ते में जाना है, क्या काम करता है। और आजकल ऐसे भी देखने मिलता है कि मेंढकों का शादी किया जाता है पानी नहीं गिरने से, बहुत जगह देखने को मिला है मेंढकों का शादी करते हैं। भैया शादी करना ही है तो हमें ये भी पता चले कि मेंढक नर है या मादा है, ये तो पहले पता करना पड़ेगा कि मादा मादा को शादी थोड़े करेंगे या नर नर को शादी थोड़े करेंगे, बहुत जगह देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे इंडिजिनस समुदाय में, क्योंकि वो वही वो लोग गोबर डालते हैं बकायदा, नाचते नाचते रात दिन नाचेंगे और मस्त गीत भी गाते हैं, बहुत सुंदर ढंग से गाते हैं। बातिर पुंगटे बीमाएं देने वाय वाय रे बीमा वायनी, वाय वाय रे बीमा वायनी, मर्दिर पुंगटे बीमा वायनी, वाय वाय रे बीमा वायनी, वाय वाय रे बीमा वायनी। इस प्रकार रात भर महिला पुरुष लैया चली पूरा नृत्य करते हैं। और भीमा को भी बहुत अच्छा लगता है, आता है फिर में और नाचता है और कुछ न कुछ तो मतलब। इसलिए साथियों, क्योंकि हमारे प्रेम पुरखा को गीतों में उनको रिझाया जाता है, आज हर पेनों को गीत में रिझाया जाता है, हमारा कल्चर ही एक पाटाओं से बसा बना है। और ऐसे ही वो धीरे 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 क्या होता है कि आकर के बोलता है ठीक है आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो समय दे देता है। ऐसा भी नहीं कि समय देता है आज या कल तक के गिरेगा तो समझ लेना कि भीमा का लाया हुआ पानी है, अगर उससे बाद में गिरेगा वो मेरा नहीं है, वो प्राकृतिक है कुदरत का पानी, ये भीमा बोल देता है। और जो उसके बताई होने अनुसार आ गया तो भैया मेहनत क्या है, तो मेहनत का कुछ तो उसको देना पड़ता है। और उस देने का तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पेन पुरखा क्या था, उसे बताने का बताने का जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। इंडिजिनस समुदाय सुअर भी पूछता है, बैल भी काटता है, मुर्गा भी काटता है, वैसे किसी न किसी चीज को देने का रहता है। पांचवा नंबर में आता है गुंता पेन में प्रमुख, जिसको कहे एक कडरेंगल, कडरेंगल मतलब एक चूटी चूहा छोटे, जो आज घरों में रहता है, जहाँ आप लोग बोरा में धान रखोगे रात भर में काट देता है। चूटी चार प्रकार के होते हैं, एक खेत खलिहान में रहता है छोटे वाला, और दूसरा यह होता है घरों में रहता है, उसका पूंछ थोड़ा छोटे रहता है। और वैसे ही जंगल में एक पेड़ों के खोखलों में भी रहता है, जिसको छत्तीसगढ़ी में बेंद्रा चूटी बोलते हैं। और एक होता है वो भूड़ू में होता है, पुत्त में, पुत्ती जिसको भोड़ू कहे, भीमोर। तो वो भीमोर में रहने वाला को गोट वट्टे बोलते हैं, गोट वट्टे, गोट अने पत्थर। और वो गोट पहले हमारे सियान लोग है, आज थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए हम, लेकिन हमारे सियान लोग पहले अनपढ़ थे, प्राकृतिक को पढ़ने जानते थे, वो पेड़ पौधा को समझते थे, पशु पक्षियों के भाषा को समझते थे, लेकिन वो पुस्तक पढ़ नहीं पाते। तो उस
भाई उन्होंने उन लोगों ने कैसे करते थे, अगर किसी को धान देना है बाड़ी में देना है तो सीधा बांस के वो रखते थे फोंडा, उसमें गोटी डालते थे कि मैंने फलाना आदमी को इतना काठा धान दिया हो, 15 साल के बाद भी वो अगर उस पत्थर के टुकड़े को देखता था कि फलाना को मैं 20 काठा या 40 काठा धान दिया। और हमारे सियान लोग जहाँ धान नापते हैं वहाँ भी आज अभी भी वो लोग केवल ऐसे मढ़ाते हैं, पूंजी पूंजी मढ़ाते हैं। आज तो हम ऐसे उंगली के गठान के थ्रू जानते हैं, लेकिन वो लोग वो गोटी गोटियों को वो पत्थर के टुकड़ों को रख के वो जानते थे। और वो 100 साल भी होने से वो पता चलता था कि इतना मैं हमारे परिवार ने दिया। वैसे ही ये गोट वट्टे जिसको हम उस महान नारहुजड़ में 5वां पॉइंट में लाते हैं, और वह भी चूटी एक ऐसा चूटी है जहाँ 1000 चूटियाँ रहेंगे एक भीमोर में एक पुत्ती में, तो वहाँ बाहर में 1000 पत्थर के टुकड़े रखते हैं। और आज भी हमें अगर जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव में अगर किसी ने पूछा कि यहाँ का जनसंख्या कितना है, पता नहीं, यही कहेंगे। आजकल गांव में आंगनबाड़ी भी होते हैं, उन्हें भी जाके पूछते हैं कि यहाँ जनसंख्या कितना है, वो सीधा से बोल देगा भैया रजिस्टर देखना पड़ेगा, रजिस्टर देखना पड़ेगा। लेकिन कडरेगाल को हम अगर सिर में बुलाते हैं तो गांव के जितने भी जनसंख्या है केवल चाटी मकोड़ा तक को बता सकते हैं। ये पेन सिस्टम है, उसको पता है कि यहाँ कितने जीव जंतु, इसलिए वो गोटी रखता है, इसलिए उसको गोट वट्टे कहते हैं। और उसी को एक पेन के रूप में, मानता पेन के रूप में हम कडरेगाल तल्लूर मुत्ते कडरेगाल ऐसे बोल। और ये हैं महान गांव व्यवस्था नारहुजड़ के 5 प्रमुख पेन। ये 5 प्रमुख पेन हर गांव में हैं, इंडिजिनस गांव में, कि उस गांव को व्यवस्था कैसे कैसे कौन कौन। अभी आप लोगों ने सुना ही होगा कि भूमिहार का क्या काम है, भीमा का क्या काम है, नेलंजूर का क्या काम है, बुकुर्रा का क्या काम है, तो ये काम में सब बट गए। आते हैं हम साथियों, हम उन महान माताओं में जो माता भी हैं, क्योंकि गांव किसी पुरुष पुरुष से नहीं चलता, कहते हैं नारी है तो जग उजियारी। इसीलिए नर जहां है वहां नारी भी है। जो गाय गांव का स्ट्रक्चर बनाया, जिसने गांव बिठाया, उसका पत्नी उस पति के साथ जाकर के घर बनाए हाथ में, और वहां पहली गोबर से लिपाई की, तो कौन है उसको बोलते हैं कर्रे माता, जागा रानी, जागा डोकरी, जागा बित्ती, और बूढ़ी माता के नाम से भी जानते। कर्रे माता मतलब इसका मतलब है कर्रे कदवाल भूमियार, हाँ बिठाने वाला भूमियार है। कर्रे कत्स बंजाल, कर्रे मतलब पेड़ों को काट करके गांव बिठाने का। और इसीलिए वो माता का वो भूमियार के पत्नी को भी कर्रे माता के नाम से जानते हैं, जिसने पहली उस गांव में गांव बना उस समय आके उसने वहां गोबर रुपये किया, उसको आज हम धीरे धीरे बूढ़ी माता कहते हैं। और ऐसे है कि कर्रे माताल, जागा बीती, जागा रानी, जागा डोकरी,
बूढ़ी माँ इतने नामों से जाने, क्यों भूमियार के साथ रह के उस गांव को सजोने संवरने में अहम भूमिका निभाई। तो दूसरे नंबर में आता है साथियों, जिसको हम कहते हैं गाय तक के सिवाय और कोई सेवा नहीं कर सकता, और उसको सेवा करने के लिए गाय तक को एक दिन नोमना मतलब उपवास रहना पड़ता है। जिन्होंने माटीकोट में स्थान पाई है उसको हम बोलते हैं तल्लूर मुत्ते, छत्तीसगढ़ी में कहें तो उसको ठाकुरदाई कहते हैं। तल्लूर मुत्ते, तल्लूर आने हम जानते हैं माई कुकड़ी, मतलब एक बच्चे वाली मुर्गी, उसको बच्चे वाली मुर्गी को हम गोंडी में तल्लूर बोलते हैं। और मुत्ते मुत्ते आने स्त्री, इसलिए उसको तल्लूर मुत्ते कहते हैं। और तल्लूर मुत्ते एक तल्लूर कोट में रहता है, इसको हम मैंने पहले बता दिया कि माटी को। तो वो तल्लूर मुत्ते उस गांव में, जैसे आज भी हम देखते हैं अगर छोटे छोटे अपने बच्चों को मुर्गी चराने निकालती है तो खट 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 ऐसे करते ही रहते, क्योंकि मेरे बच्चे इधर उधर ना भागे, मेरे आवाज़ में उन तक के पहुँचे और ज़्यादा दूर ना भागे। अगर उदाहरण के लिए एक जगह वो मुर्गी अपने भी चारा चर रही है और बहुत दूर तक फैल गए हैं छोटे छोटे चूजे, और उसी बीच में अगर कोई बाज ऊपर से जाता है, ऊपर से अगर बाज जाता है और बाज का नज़र पड़ता है उन चूजों में, तो वो मुर्गी क्या करते ही कट 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 करता है। जैसे ही कट 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 किया तो सब बच्चे आके कहाँ छुप जाते हैं, उनके पंख में छुप जाते हैं, जो मुर्गी के पंख में पूरे के पूरे छुप जाते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि यहाँ जो बाहरी बीमारी आता है उसको बाहर के बाहर भेज देती है, और तल्लूर मुत्ते इस गांव को पूरा क्या करती है अपने पंखों से ढक देती है, कम से कम हमें उस बीमारी से बचा लेती है। ये काम इसलिए गायता, जब भी गायता पकड़ते हैं तो किसके साथ उसको रिलेटेड किया जाता है, वो माटी के साथ शादी करना पड़ता है, और माटी कौन है, वो तल्लूर मुत्ते, इसलिए उसको माटी कोट कहेगा, तल्लूर कोट कहते हैं। तो ये है दूसरा नंबर का, जो तल्लूर मुत्ते जिसको हम छत्तीसगढ़ी में ठाकुरदाई कहते हैं। तीसरा नंबर में आता है मावली। मावली दो प्रकार के होते हैं, एक तो है नार मावली यानी गांव मावली, और दूसरा गढ़ मावली। नार मावली के बारे में हम चर्चा करते हैं पहले, क्योंकि नार मावली क्या है, आज हम बोलते हैं कि नार मावली का काम क्या है, दोनों मावली का अलग अलग काम है। और अक्सर हम कभी भी कहीं भी देखते हैं मावली का जो पालो होता है वो पालो का कलर कैसा रहता है, लाल कलर का रहता है, लाल कलर का रहता है, खून जैसे। और क्यों लाल कलर को पसंद करती है, और हम तो बोलते हैं कि लाल कलर खतरा का निशाना, खतरे का निशाना हम समझते हैं।